आज दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को मेरे संज्ञान में माननीय सांसद श्री अक्षयवर लाल गौड़ जी द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया कि मिहींपुरवा तहसील में काफ़ी लोग राशन वितरण की अनियमितता को लेकर एकत्रित हुए हैं और वह भी दौरे पर जा रहे थे, उनका घेराव किया गया और अतः इस संबंध में जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश के संबंध में उनसे बात हुई। जैसे ही माननीय सांसद जी से बात हुई, मैंने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को सम्यक जांच के लिए और इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए अधिकृत किया है। वह मौके पर जाकर उन्होंने स्थिति को देखा है और आश्वस्त किया उस जितनी भी भीड़ थी कि सभी पात्र व्यक्तियों को राशन किट और उनकी फसलों का जो क्षति हुई है या घरों की जो क्षति हुई है उसको नियमानुसार दिया जाएगा। लेकिन मैं अवगत कराना चाहता हूं कि नानपारा और लखीमपुर मार्ग में पुलिया के टूटने के कारण छोटी गाड़ियों में ही राहत सामग्री वहां पर पहुंचाई जा रही है, इसलिए हो सकता है कि लोगों को ये भ्रम हो कि समय से राशन जल्दी से नहीं मिल पाने के कारण कि हमें नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को जो बाढ़ से प्रभावित हुआ है उसको राशन किट भी मिलेगी और उनकी फसलों का या घरों की जो भी क्षति हुई है उसको आग्रहण हमने कराना शुरू कर दिया है, उन सबको मिलेगा। जो भी क्षतिग्रस्त घर हुए हैं या झोपड़ियां गिरी हैं या जनहानि हुई है उन सबको हमने चिन्हित कराकर मुआवजा वितरण करा दिया गया है। अभी भी अगर कुछ बचे हैं तो उसको कराया जाएगा। फसलों की सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन समाचार सोशल मीडिया में इस प्रकार की बिना हम लोगों का वर्जन लिए जो समाचार खबरें प्रकाशित की जा रही हैं उसका मैं खंडन करता हूं। जनपद बहराइच की प्रत्येक तहसील में माननीय जनप्रतिनिधिगण के सहयोग से पात्र व्यक्तियों को राशन किटों का वितरण किया जा रहा है और अब तक 7,000 से अधिक किटों का वितरण किया जा चुका है और अभी भी लगातार हम लोग 2.5 लाख पके हुए भोजन को पैकेट के रूप में वितरित कर रहे हैं और अभी दूरस्थ क्षेत्रों के ऐसे 10-15 गांव बचे हैं जहां पर भोजन पहुंचाने की आवश्यकता है, वह हम लोग अपनी कम्युनिटी किचन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। अतः मैं इस प्रकार से एक पक्षीय रूप से प्रकाशित खबर का खंडन करता हूं और सभी पात्र व्यक्तियों को आश्वस्त करता हूं कि कोई भी पात्र व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कोई भी व्यक्ति